أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم شبى الجمعة شبى الرحمة حماري بتنمي وفي और बाज जगहों पर डेफिनेटली दिन है हमने अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली मुश्किल कुशा के कलाम की जियारत के जरिए अपनी मुश्किलों को आसान करने का रास्ता इंतखब किया है और ये जियारत बलागा जो हम सब के सब ज़ाहिरवी इन शाह दिन दिन और ज्यादा ज्यारत करेंगे इस अजीम किताब की दर हकीकत सच्चे माना में या अली मदद कहना है या अली मदद क्योंकि जो हम नारों में या अली या अली या अली, अली को पुकारते हैं ये सही माना में पुकार अमली माना में पुकार ये है कि बलागा को खोल कर हम अपने वजूद अपनी तश्नगी को दूर करें देखिए अगर आपको मीठा 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 बनना है यानी आपकी सोच आपकी फ़िक्र आपकी जबान और लसान तो आप अपना रुख जो है वो बलागा की जानब करें क्योंकि आपकी हर चीज़ में मिठास आ जाएगी हलावत आ जाएगी और इन बलागा की तस्वीर और नोटबुक जिसमें आप लिख रहे हैं आप अगर हो सके व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजिएगा हमा खाला को जिस ग्रुप में भी आप हैं उस ग्रुप में अगर भेज सकते हैं या जिस अंदाज से भी और कोशिश करें आ, हर चीज़ को हम लिखें हाइलाइटर्स का इस्तेमाल करें और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर सबूर की मेहनत से अ, जो है वो बलागा के बहुत प्यारे नोट्स बने हुए बस मैं कोशिश में हूँ कि किसी ना किसी तरीके से इसको अच्छे अंदाज़ से इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भेजूँ दो नोट्स बने एक बहुत ही मुख्तसर एक बहुत ही तफसील के साथ इससे ज़्यादा वक्त नहीं लेते चलते हैं बिस्मिल्लाह करते हैं बिसमानरिम चार सौ अस्सी फोर हंड्रेड एटी शॉर्ट सेंग्स ऑफ नहजुल बलागा वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट शॉर्ट सेंग जो पहली हम कहते हैं हकमत या कलमात कसार है जिसमें मौला अमीर ममिन यूँ फ़रमा रहे हैं कि किबून ला वन फ़ैर कबो वला फ़ैलब जब कोई मुश्किल पेश आ जाए फितना व फसाद हो और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो तुम क्या करो उस वक्त के बच्चे की तरह बन जाओ कि जिस पर ना ही कोई सवार हो सकता है और ना ही कोई उससे दूध धोता है यानी कोई फायदा नहीं ले सकता अब इन इसमें हम दो तीन क्वेश्चन का को आंसर देंगे नंबर वन व्हाट व डेफिनेशन ऑफ फितना नंबर टू जब फितना फसाद जब कॉम्प्लीकेशन आ जाए सो वट इज आवर ड्यूटी हमें क्या करना चाहिए वाई दिस टॉपिक इज सो इम्पॉर्टेंट वाई मामा अली अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड सैयद उन्होंने क्यों इसको हमत नंबर वन करार दिया देखिए हम सब के सब ठीक है ऐसे हालात ऐसे सिचुएशंस को फेस करते हैं जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं मैं क्या करूं, यू नो व्हाट शुड शुड आई आई डू, हाउ रिएक्ट? सो फसाद में अगर दोनों तरफ बातिल हो कोई छुत और हक पर ना हो दोनों तरफ जहां झगड़ा हो रहा है फसाद हो रहा है वहां पर अगर दोनों तरफ बातिल है क्योंकि दोनों अपने डिजायर्स को फॉलो कर रहे हैं ख्वाहिशात नफसानी की वजह से कुछ मकाम कुछ शहरत कुछ अना मे का मसला होता है तो वहाँ क्या करो नंबर वन हमारी जिम्मेदारी ये है कि वी हैव टू बी वेरी एक्सट्रीमली क्लेवर समझदार बन जाओ इतने समझदार बनो कि कोई आपकी कुदरत आपकी स्ट्रेंथ आपके वेल्थ आपके टाइम आपके मनी आपकी एनर्जी किसी चीज कोई और उसको मिसयूज ना करे कोई आपको डिसीव ना करे क्योंकि पता है ना कुरान में बहुत अच्छा आया हुआ है कुरान कहता है कि आ, वो शारख हम वल औलाद हमारे हमारा माल हमारा टाइम हमारी औलाद को ये फितना और फसाद करने वाले मिसयूज करते हैं आप देखिए पूरी हिस्ट्री में बार बार यही हुआ है वही repeating repeating again again. गलती दोहराई जा रही है, जिसकी वजह से हमेशा हक वाले मजलूम रहे हैं। तो फितना नंबर वन लोअ में लिटुरली uh, you know test टेस्ट को भी कहा जाता है गुमराही को भी कहा जाता है फसाद को भी कहा जाता है और यहाँ पर मोस्टली मोस्टली हमें पता है कौन सा ऐसा घर है घराना है माशरा है सोसाइटी है जिसमें फसाद नहीं होता फितना नहीं होता कोई नेगेटिवली कुछ प्लानिंग नहीं कर रहा होता हर जगह होता है तो वहाँ हमने क्या करना है हमने ऐसा करना है कि हमें हमें कोई भी मिस ना करे हमने अपने इल्म के नूर के चराग को लाइट को अपने नॉलेज के लाइट से बाबुल इल्म के सदक़े से हमें हालात से बाखबर होना चाहिए वी हैव टू नो हमारे अंदर तज् और तहलील की ताकत होनी चाहिए ताकि हम अच्छी तरह समझ सकें कि ये ये कौन है क्या है क्या पैगाम दे रहा है उसके पीछे क्या है बहुत आगे तक बहुत पीछे हर चीज को हम एनालाइज कर सकें सो so, हमारी जिम्मेदारी नंबर वन ये है कि हम उसको स्टडी करें नंबर टू ये है कि हमारा वक्त हमारी जिंदगी हमारा माल बहुत कीमती है उसे कोई मिस यूज ना करे कोई हमें धोखा ना दे लिहाजा हम क्या करेंगे हम ऐसे बन जाएंगे जैसे ऊंटनी का बच्चा होता है जिसको कोई भी मिसयूज नहीं कर उसके पास कुछ नहीं होता ठीक है अगर एक तरफ बातें ले एक तरफ हक है तो हमने हक का साथ देना नो no डाउट लेकिन ऊंटनी के बच्चे के बारे में हम लोग थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं इफ यू हैव यंगस्टर्स अराउंड यू इफ यू वाना टॉक टू देम अबाउट दिस ब्यूटीफुल सेइंग ऑफ इमाम अली सो so, हम देख देखेंगे कि ऊंटनी का बच्चा uh, uh, क्यू उस पर सवार नहीं हो सकते क्यों उसको हम कैप्चर नहीं कर सकते क्या वजह है ये बड़ी मजे मजे की आपको फैक्ट्स मिलेंगी उसके पास दूध क्यों नहीं होता क्या होता है कुछ भी आप उससे फायदा नहीं ले सकते हो तो हम हम इसी गलत को फायदा नहीं देंगे बेहतरीन फायदा अपने वजूद से हम देंगे कि हमारे वक्त और जिंदगी का हर हर लम्हा जो है वो बरवर आलम की खुशी के लिए इन शाह खर्च होमत नंबर दो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें तीन ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में इमाम आदिम गुफ्तु कर रहे हैं कि अगर वो तीन क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ गई तो हम अपने से प्यार करना सीखेंगे वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वेरी वेरी यूजफुल लाइक इमाम के रे रिस्पेक्ट यूर सेल्फ अपने आप से मोहब्बत करो अपनी इज्जत करना सीखो अपनी जिल्लत से दूर रहो इन तीन एट्रीब्यूट से दूर रहकर क्योंकि अगर ये सिफात दूर से भी आपके करीब आ रहे हो तो उससे कर चले जाओ चले जाओ यू नो ये आपको आपको गिरा देगी आपको आपकी इंसल्ट करती है आपको बहुत ही ज्यादा हकीर बना देती है पहली सिफत क्या है पहली सिफत हवस लालच और ग्रीडीनेस जो बहुत ज्यादा इंसान ग्रीडी हो जाता है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए और हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है नंबर वन क्वालिटी जो कि इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए ये इंसान को बहुत वीक बना देता है कमजोर बना देता है देखिए कहते ये इतना इंसान को लिमिटेड और बुराइयों में फोकस कर देता है कि अक्ल जो कि लाइट है या हमारा इंटेलेक्ट, उसकी लाइट को बुझा देता है तारीकी में लेकर जाता है अक्ल को जबाह कर देता है पता है अक्ल क्या है अक्ल के बारे में कुछ हदीसें में मैं छोटे 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 होमवर्क दूंगी ताकि आप लोग थोड़ा सा सर्च करें अक्ल अक्ल इन अदीस अक्ल कहते अल्लाह का कहना अल्लाह ने कहा आ गया वो आ गया पीछे जाओ पीछे अल्लाह ने कहा है ये तो बड़ी अच्छी चीज है सब कुछ समझता है यू you नो know, अल्लाह को तो पता है लेकिन हमें समझाने के लिए कहा कहा बस इसी को मैं इनर मैसेंजर बना रहा हूं जिस तरह मसलन अकीक सबसे पहला मुसलमान शिया और इस, इसने सबसे पहले ईमान लेकर आया कहा इसलिए इससे दोस्ती करो इससे मोहब्बत करो आ, दोस्ती ईमान वालों से करनी चाहिए कि जिस जिस हाथ में अखीक की अंगूठी होगी वो हाथ नहजुल बलागा उठाएगा क्योंकि ये शिया है सच्चा हम भी सच्चे शिया बन जाएं इसी अंदाज से अकल भी सबसे पहले सबसे ज्यादा जो अल्लाह की इतावर ने पोजीशन दी है इमाम ने एक और जगह फरमाया है अक्सर पर कहा ज़िबा हो जाता है अक्ल को हम किल कर देते मर्डर कर देते और बिल्कुल उसकी रोशनी से दूर डार्कनेस में चले जाते हैं जब हम बहुत ज्यादा तमाह करते हैं जिसके पास जितनी हवस और लालच और ग्रीड है उतनी ही आपको वहाँ अकल की लाशें नजर आएंगे आगे फरमा रहे हैं तो नंबर वन इसका जो नुकसान है तमा का लालच का नंबर वन ये है कि आपके इस मैसेंजर को किल कर देता है पैगंबर को कत्ल करना हराम है, गुना है ये हमारा बातनी पैगंबर है अल्लाह ने इसको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई है ये।, ये हमें बहुत अच्छाई की तरफ लेके जा सकता है हम उसको कत्ल कर देते बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना नंबर टू ये हमें गुलाम बनाता है लालची इंसान कहाँ से आजाद है बिल्कुल आजाद नहीं है इतना जो जितना बेअक्ल होगा बेवकूफ होगा जो बेवकूफ होगा वो गुलाम हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले लालच ने आकर हमारी अक्ल को हमसे छीन लिया कत्ल कर दिया कर दिया किल कर दिया मर्डर कर दिया अब जब ले लिया अक्ल को और हमें बिल्कुल डार्कनेस में रखा तो हमारे ऊपर उसका पूरा होल्ड आ गया और कैसे होल्ड आया कि हम गुलाम बन गए कहते तमाह इमाम तमाह लालच जो है वो एक ऐसी गुलामी है जिसका कोई एंड ही नहीं आम जो स्लेव्स होते दे हैव अ डे मे बी यू नो दे कैन के इनशल तो रख सकते हैं कि एक दिन हम आज़ाद होंगे लेकिन जो लालच के दलदल में फंस जाए वो नहीं निकल सकता फिर जाइए वो जब तक लालच को दूर ना कर दे यानी हमेशा की हमेशा की ग़ुलामी है हती बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग साइंटिस्ट बड़े बड़े स्कॉलर्स बड़े बड़े फिलोसोफर्स जिस फील्ड का भी जो एक्सपर्ट है बेशक उसके पास जितना भी इल्म क्यों ना हो वो क्या हो जाता है वो अगर लालची हो तो फिसल जाता है इसके बारे में एक बड़ी प्यारी सी हदीस है कि लालच एक उस पत्थर की तरह है कि जिस पर जो भी पाँव रखता है वो उसको स्लिप करवा देता है और गिरा देता है बेशक वो आलिम ही क्यों ना हो आलिम से उरा हर फील्ड का जो एक्सपर्ट है नहाय खतरनाक चीज है ये लालची आंखें लालच के मुकाबले में क्या है कंटेंटमेंट गन्तेंट कंटेंट अगर आप हो तो आपको इज्जत मिलती इसलिए मौला अली सलाम ने फरमाया मन कना इज्जत मिल गई जिसने कनात हासिल की वन तमा जलील पस्त हो गया खार हो गया इंसल्ट की अपनी रिस्पेक्ट नहीं की जिसने हर एक को लालची आंखों से देखा जैसे जैसे वाकया मिलता है बहुत मशहूर है कि जब आ, आ, शाम के खलीफा मुआविया ने अपने बेटे यजीद की बेअत लेना चाहिए तो आ, उस अपने गुलाम से कहा जाओ और जाके बेअत लो तो उसने कहा हानी बिन मुरादी के पास वो गया और पैगाम लेकर आया तो हानी हंसा वो इराकियों का लीडर था शाम ने और उसने कहा, कहा यजीद की बेअत कोई भी नहीं करेगा ऐसे उसने की उस गुलाम की कि वो डरता हुआ दरबार में आकर मुआविया से उसने कहा कि इट्स इम्पॉसिबल इज टू गिव बैड टू का ये तो नहीं हो सकता नामुमकिन है तो उस वक्त ये चाल चली मुआविया ने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो चले हम कुछ करते क्या किया उसने कहा ठीक है लालच और पैसा तमाम और इन चीज़ों की तरह और फिर जब बुलाया गया कुछ तमा की दरख्वास्तें और कुछ फरमाइशें और कुछ आ, जो है वो क्या कहते हैं उसको अपनी तरफ बुलाया और एक मरतबा दरबार में बुलाया और सबको पेपर दिया और कहा जो मांगना है जो लिखना है लिखो अपनी ख्वाहिशात मैं सब दे दूँगा और ये जो शख्स था जो बहुत ही बड़े अंदाज से हानि बिन नहींवा कह रहा था कि इम्पॉसिबल कि कोई बेत करे यजीद की वो भी आ गया तो वो बहुत खुश हुआ मुआविया का बाप बड़ा खुश हो गया सॉरी यजीद का बाप का अच्छा ये तो फंस गया तो उसके पास जाके कहा कि आप और लिखे ना और क्या चाहिए तो कहा पेपर खत्म हो गया कहा मैं और पेपर देता हूँ दूसरा पेपर दिया उसने लिखा कहा और लिखे अपने रिश्तेदारों के लिए भी कुछ मांगे जितनी ज़मीनें मांगनी है जितनी दौलत मांगनी है जो जो भी मांगना है उसने कहा अच्छा और पेपर और पेपर लिखता गया लिखता गया और उसकी लालच खत्म नहीं हुई यहाँ तक के उसने आखिर में आके कहा कि मेरी एक दरखास्त एक मुआविया कहा क्या दरख्वास्त यजीद की बे लेने के लिए मुझे शाम में इंचार्ज बनाओ मैं मैं लूँगा देखिए कैसे फंस गया इस दलदल में इतनी ये खतरनाक चीज है इसलिए नंबर वन ये आ, हवस लालच, ग्रीडीनेस हमें क्या कर देता है हमारी अकल को खामोश कर देता है नंबर टू ये हमें गुलाम बना देता है नंबर थ्री जो है ये हमसे खुशी को छीन लेता है कैसे क्योंकि बेचैन बना देता है इतनी प्यारी हदीस है इमाम सज्जादी आप फरमाते रायर कुल्लू मेरे तमाम के तमाम के तमाम खैर को एक यकजा कहाँ पाया वहां पाया कि आप जितने लोगों के पास जो जो चीजें हैं जो भी आपको नेमतें नजर आ रही है आप उससे जो है रुख मोड़ लो तमाना करो अगर आपने माफी ए नास पर नजर ना रखी और बिल्कुल अपनी जिंदगी इज़्ज़त के साथ अगर आपने गुजार ली और आप फ्री हुए वट एवर पीपल उनको बार बार देख नहीं रहे हो तो आपकी जिंदगी बहुत इज्जत के साथ गुजरेगी तो ये तीन जो है वो नुकसान हैं अगर हमने लालच को लिया और अगर लालच से दूर हुए तो हमें बहुत से फायदे मिल रहे हैं तो तीन हमने क्वालिटीज का जिक्र करना था नंबर वन क्या है जो बताया लालच नहीं नंबर टू इमाम हमें रहे हैं, अपने आप से मोहबत करो और इन से दूर रहो वन, से दूर रहो। ना बनो। प्यारी आई ट्रूली लव दिस नंबर सेकंड या खुदाड हम सबको बहुत जरूरत है इसकी इसमें मोला कह रहे हैं कि अपनी दिल की दास्तान दिल की जो भी हम कहते हैं क्या कहते हैं पता नहीं हमारी दिल की बातें हैं दुखड़े हैं वो हर एक को बताते ना रहो ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन इसके फायदे बहुत हैं ना बताने के ना बताओ रज़ या बेजुल अल्फाज तो देखिए राजी हो गया अपने आप को जलील और कंडम करने के लिए कौन राजी हो गया कौन अपने आप को डैमेज कर रहा है मन वो शख्स जो कि का यानी पर्दा हटा रहा है आन गुर रही अपनी मुश्किल से लोगों को बता रहा है यू नो आई एम आई फेसिंग दिस प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम क्यों क्योंकि अगर वो दोस्त है तो जरूरत नहीं है बताने की और आप उसको बता रहे तो बेचारा दुखी हो रहा है अगर वो दुश्मन है सुनने वाला जिसके सामने आप अपने दुखड़े बयान कर रहे हो तो वो खुश होगा तो किसके सामने बयान करें जहां आपने सिर्फ जैसे अगर डॉक्टर को बताना है किसी एक्सपर्ट को बताना है फकीह को बताना है फ़ीर मसला है दैट्स एच इसके अलावा ना बताओ बिल्कुल ना बताओ जितना हो सके अपने अपनी इज्जत करना सीखो ये बहुत ही ज़्यादा अहम है और एक बहुत प्यारा वाक़ है इमरान बिन हसीन वो कहता है आता है नबी इकरम सलील्हसम के पास और कहता है या रसोल्ला मेरे पास बहुत ही हसीन खूबसूरत चेहरे वाले कुछ जवान आते थे ज्यारत के लिए और जाते थे और मैं बहुत लुफानंदोज़ होता था लेकिन कुछ अर्सा हो गया उन्होंने आना छोड़ दिया तो नबी अक्रम सल वसम ने कहा कि क्या तुम किसी जंग में ज़म्मी हुए थे उसने कहा जी कहा अच्छा और तुमने किसी को बताया नहीं था कि तुम्हें इतने जख्म लगे कहा जी मैंने उसको मखदूम हिडन रखा था नहीं बताया था कहा अब तुमने बता दिया कहा हाँ एक जगह हर कोई बता रहा था तो मेरी मैंने भी कह दिया हाँ ये हुआ था मेरे मुंह से निकल गया मैंने बता दिया कहा हाँ अगर तुम उसको हाइड रखते कश न करते तो, तो जब तक तू इस दुनिया से ना जाता ये फरिशते थे जो तेरी ज्यारत के लिए आते थे उस उस उसत की वजह से तेरा बड़ा मकाम था उस छुपाने की वजह से बहुत मकाम था इसलिए खुशबू थी फरिश्ते सूँगने आते थे तुझे लेकिन जैसे तूने बता दिया पर्दा हटा दिया अब वो फरिश्ते नहीं आएंगे कितना अहम पैगाम है हमारे लिए कि हम भी अपने जो भी राज हैं जो भी मसाइब हैं मुश्किल है अपनी इज्जत नफ्स के खातिर उसको हर एक के सामने न बताएं। और मौला अलीसम ने हमत नंबर शॉर्ट सेंग नंबर टू एटी वन में फरमाया है कि मेरा एक दोस्त है जिसकी एक सिफत ये है कि ला यशकु عند बुरही कि वो उसको जितनी भी दर्द तकलीफें होती हैं उससे शिकायत नहीं करता लेकिन जब वो ठीक हो जाता है तो फिर पता चलता है कैसे मसलन अगर वो कुछ कह रहे कोई 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 परेशान है तो कहता है हाँ ये ये मुश्किल मेरे साथ भी आई थी और इसको इस तरह इस तरह से हल कर दिया था खत्म अब खत्म हो गया है अब वो अबरत के लिए कहीं जरूरत हो तो बता देता है तो फिर पता चलता है अच्छा आप पर भी ये मुश्किल आई थी आप भी मकरूज हुए थे या आप भी जेल में गए थे या आप भी बीमार हुए थे और जो नमतें हों उनको बयान करो क्या कुर्बान जाओ में इस आयत पर कि अम्मा ये, ये हमारे माशरे में बहुत कम है इस आयत पर हम अमल नहीं करते You know, क्या है आयन आय व्सिंग यदि बोलो बताओ शुक्र अदा करो नारे में बातें करो नो इब मुश्किल है उनके बारे में हम हम मुश्किल को लेकर बैठते हैं कि ये हो रहा ये हो रहा ये हो रहा डेट्स इट फिर आगे नहीं जा पाते ये बहुत अहम पॉइंट है अपनी इज्जत करना सीखें अपने आप से प्यार करें अपने आप को जलील ना करें अपनी बेहतरामी ना करें कैसे बेहतरामी ना करें नंबर वन लालची आंखें लालची सोच से दूर जो है उस पर खुश खाने रहें उसको प्रैक्टिस करें नंबर वन नंबर टू अपनी मुश्किल हर एक को ना बताएं खास और खास और खास लोगों को बताएं और नंबर थ्री वो उस इतनी और ज्यादा अहम लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल अमल है वो क्या है वह नफ्स हो मन अमर आलान अपने नफ्स को फिर हाना यानी जलील कर दिया निहायत पस् कर दिया आनत हानत यानी अपने आप को बहुत हकीर समझा अपनी इंसल की किसने जिसने अपनी जबान को अपने ऊपर अमीर बना दिया अपने ऊपर उसको मुसलत कर दिया मीन आ जबान लिसान, लंग इज कंट्रोलिंग यू कंट्रोलिंग ओवर यू आप क्या बन गए हो असीर बन गए हो जबान अमीर अमीर से अमीर यानी वो लीड कर रहा है आपको वो बता रहा है वो कंट्रोल कर रहा है आपको ये बहुत इसका बहुत ही ज्यादा नुकसान है मैं रिसेंटली इस हदीस का मतलब कर रही थी कि ये क्या वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जबान इतनी लंबी हो जाएगी इतनी लंबी इतनी लंबी कि लोग उस जबान के ऊपर चलेंगे इतनी लंबी जबान कैसे हो सकती है जबान की लंबाई के बारे में अदीस मौजूद है तो अब समझ में आ रहा है इस जमाने में कि जबान कितनी लंबी हो सकती है ईस्ट वेस्ट हर तरफ जा सकता है अगर इस ढंग को आप कनेक्ट करो मोबाइल से सोशल मीडिया से जो हम टेक्स्ट करते हैं एक जुमला लिख देते वो हमारी जबान है जो हर तरफ वो मैसेज पहुंच जाते एक शख्स यू नो वन कुर में बैठा हुआ है और मॉन्ट्रियल में बैठा हुआ है और आप यहाँ से खुदा ना खासा कुछ लिखते और उसकी उसकी दिला आजारी हो जाती है यानी दुखी उसको हम कर देते हैं उसकी इंसल्ट हो सकती है जबान जबान को हम अपने ही कंट्रोल में रखें इन शाह तो नबी इकलम सल्ला वसम ये जो फरमा रहे कि जबत के दिन इतनी लंबी हो जाएंगी यानी उसका एक मतलब आप जरा समझ में आ रहे हैं कि इतनी लंबी जबान कैसे हो सकती है कि आपका पैगाम भी इतनी दूर दूर तक जा रहा है तो दूर दूर तक आप फायदा भी पहुंचा सकते हो दूर दूर तक आप नुकसान भी पहुंचा सकते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि करमलम की सीरत ये थी कि आप दुमलफ़िक्र जिस तरह द इमुल बश है हमेशा मुस्कुराहट आपके चेहरे पर थी इसी तरह आपको जब मौका मिलता तो आप सोचते थे तवीलसकूत जितना हो सकता आप खामोश रहते थे जहाँ जरूरत होती वहाँ आप गुफ्तु फरमाते जिस तरह जनाब अबूजर के बारे में है क़ुरबान जाओ आप पर कि आप कहते हैं कि काना अक्सर अक्सर वीज़र अच्छा फकुर अबूजर को आप अक्सर जहाँ जरूरत ना हो वहाँ खामोश मतमयन बड़ा इंसान मचोर संगीन डिसेंट बहुत वजनी उसमें एक, एक, एक बहुत ही संगीनी कितनी बड़ी शख्सियत पर्सनालिटी आती है जो इंसान खामोश रहता है एक अच्छी सोच की खातिर एक अच्छे मकसद की खातिर देखें आ, जो हम जो समझते हैं ना बोलो बोलो जो मुंह में आ रहा है बोलो ये हमारी ख्याली दुनिया है ये लूजन है हम समझते है, इसी में मज़ा है यार बोलते जाओ जिस तरह समझते ज़्यादा खाने में मजा है जबकि नहीं ज़्यादा सोने में मजा है नहीं जो अच्छा सोते हैं टाइम पे वो मजे लेते हैं जो अच्छा खाते हैं वो तूले उम्र और अच्छी जिंदगी गुजारते मजे लेते हैं इसी तरीके से जो सही बोलते हैं पता है आपको खामोशी गोल की तरह वेन वी आर क्वाइट या वेन वी आर साइलेंट इट्स लाइक अ गोल ना आप गोल देकर क्या लोगे सिल्वर तो नहीं लोगे या yeah? आप जो है वो कोई आयरन तो नहीं लोगे कोई सस्ती चीज तो स्टोन तो नहीं लोगे आपने उसकी जगह क्या लेना है डायमंड वो बोलो जिसकी कोई कोई वैल्यू हो इस जबान को खोलने के लिए बहुत बहुत बहुत, बहुत ज्यादा सोचना है मैं आपको एक एक सफर करवाती हूँ जन्नत के एक हसीन से मकाम स्टेटस जो जन्नत में है

पैलेस है जो मकाम है वो एक महल है एक एक गैलेक्सी है मैं अक्सर ये जुमले बोल रही होती हूँ कि वो दुर्रा से भी बालतर यू you नो know, एक मोती से भी बालतर है वो लो से भी बालतर मींस मोर देन समथिंग विच वी डोंट नो यू नो मोती क्या है उससे भी और फिर उसमें कोई कुछ भी नहीं है कोई जोड़ नहीं है कोई uh,

Allah Allah is keep keep you know watching, observing that, that place. देख भी रहे और उनसे बात भी कर रहा है with them. क्या मजे की बात है सबसे बड़ी फजीलत यही है तो जब ये खबरें दी जाती थी तो पूछा या राके लिए है इनके पास क्या निशानी है क्या मसून ये जेल वाले ये जिंदान में रहने वाले और बड़े बड़े किंग कस्म के बड़े लीड कस्म के जिंदानी हैं ये कैसे जिंदानी है का अलकदसा जनू अलसना चाहूँ जिन्होंने अपने जबान को उस सिज में रखा है उस प्रिजन में रखा है अपने टंग को प्रिजन में जो रखे और उस प्रिजन का डोर खोलते हुए बहुत सोचे समझे तो उसको पैलेस में वो मकाम मिलता है या जन्नत में वो पैलेस मिलता है तो सोच समझ के जो बोलने की लज्जत है ये हमारा होमवर्क है इन शाह हमने इसको बाकायदा लिखना है कि आपने दिन में कितनी बार इंजॉय किया कि वाह बड़ा मज़ा आया आज सोच समझ के बाद की तो कितना लुत्फ आया तो ये तीन सिफात तो इन हमें इज्जत देगी नंबर वन कनाअ को ले हम कंटेंटमेंट नंबर टू मखदूम हो यानी हम सीक्रेट्स रखें हर बात सीक्रेट रखने हर बात हर एक के सामने ना करें नंबर थ्री अपने टंग को अपने कंट्रोल में रखें जिसके पास अपनी जबान आ, की मालिकियत मौजूद हो और वो उसको कंट्रोल में रख सके वो लोगों के दिलों को भी कंट्रोल कर सकता है ये भी हदीस है थ्री लास्ट हमत ओके इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं थकाऊंगी, थकाऊँगी बिकॉज हमारा गोल ये है हमारा टारगेट ये है कि विदिन इनशा ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो हमारी हमारे सेशंस होंगे हमारा ये ब्यूटीफुल इबादत होगा उसमें हमने हंड्रेड हंड्रेड जो नंबर फुल नंबर है जैसे सूर नंबर हंड्रेड इज आदियात आदिया इमाम आलिम तो हमने सो हिकमत और शॉर्ट सेंग को कंप्लीट करना है इसलिए थोड़ा हम फास्ट जा रहे हैं नंबर थ्री अब नंबर वन में एक बात थी नंबर टू में तीन बातें थी थीमत नंबर थ्री में चार पॉइंट्स की तरफ हम इशारा करें फोर पॉइंट्स चार नुरानी ऐसी इन्फॉर्मेशन मालूम जो हमारी जिंदगी को बिल्कुल इतनी रेवोल्यूशनरी बना सकते हैं उसमें चेंज चेंज आजकल स्लोगन लगता है चेंज लाएंगे हम तो वो ट्रूली चेंज यहाँ है तो जिंदगी को चेंज करने वाली चार अहम नुकात की जानब सलाम इशारा फरमा रहे हैं उसमें से जो शुरू में जो दो सिफात है वो गैरत और शुजात लेकर आती है हमारे अंदर गैरत और शुजात आपको टेक्स्ट मिल जाएगा उसमें ट्रांसलेशन मौजूद है और बहुत मज़े मज़े की बहुत प्यारी यानी सबूर जान ने बहुत प्यारा काम किया है एक डिटेल में लिखा है और एक जो है वो ब्रीफली लिखा है और ब्रीफली में तो इतना इंटरेस्टिंग इतना अट्रैक्टिव उनका बयान है माशा से तो वह उसको आप पढ़ लीजिएगा मुझे पता है आज मैं ज़्यादा इंग्लिश uh, वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करी मुझे बायदा कहा गया कि बहुत सी यूथ देख रहे हैं यू हैव टू मेक यूर उर्दू वेरी सिंपल इन शाह इन शल से मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई करूंगी तो दो सिफात हमें 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 हमारे अंदर एक करेज uh, लेकर आते नंबर वन अलबुखलो आर इन सिफात इन नुकत को जानना अलबुखर आर वनो मनकसा कंजूसी uh, स जो है वो क्या है वो इंसल्ट करती है इंसान की जिल्लत आवर है एब है नक्स है नंगो आर है फिर वही वाली बात आ रही है बड़ा ये इनका आपस में भी बड़ा खूबसूरत कनेक्शन है और नंबर टू वल जुबन मनकसा जुबन यानी बुजदली जो है वो इंसान की शख्सियत में किसी कमी किसी नुकसान कहते हैं कमी की वजह से नुकसान होता है ना नुकसानदेह है नुकसान का असल जिसे नाकसल कहते हैं यानी अकल की कमी नुकसानदेह है यानी कुछ कम है कमजोरी है ये कमजोरी भी है ये नुकसान भी देती है और ये जो है वो शख्सियत की कमी की निशानदेही ये बुजदली डरपोक होना ठीक है अब चलते हैं सबसे पहले हाउ टू डिफाइन वट इज द डेफिनेशन ऑफ और कंजूसी बख्ल और डेफिनेशन क्या है इतनी खूबसूरत डेफिनेशन है इतनी प्यारी है मजा आ जाएगा वो क्या है कि हा जर इन फाक ही मेमान वना बेयद वख्ल कंजूसी स्टिंजी ने उस अमल को कहते हैं कि आप माशरे में सोसाइटी में अपनी फैमिली में अपने इर्द गिर्द लोगों की मदद कर सकते हो चेंज ला सकते हो लेकिन आप बेफिक्र रहो चेंज ना लाओ यू नो यू आर जस्ट केयरलेस यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ अदर्स यू कैन केयर अबाउट यू कैन हेल्प यू कैन सपोर्ट देम बाई वॉट बाय वेल्थ नंबर वन टंग, नंबर थ्री योर पावर एंड हैंड एनी एक्शन किसी भी तरीके से आप लोगों की मदद कर सकते हो लेकिन आप मदद नहीं करते आप कंजूस हो देखिए जो गाफिल बिल्कुल ही केयरलेस लोग हैं मतलबी भी लोगों के मसाइल हल नहीं करते सेल्फ विश हो है। और सिर्फ मैं, मेरा खानदान मेरी फैमिली मेरा बच्चा दैट से जा, बाकी जाए बाहर में यानी प्रैक्टिकली हम ऐसे ही होते हैं हम कंजूस हैं और ये हमें जलील कर देता है ये माशरे को पस्ती की तरफ लेकर जाता है अली हमें गैरत दिला रहे जगा रहे उठो जागो इन पहला दो अरे को नंबर टू जो बताया जाता है छूसी के में कुछ नु, नुकसान बताऊ आपको इसके बैड इफेक्ट्स क्या नंबर वन अगर हम खेरलेस बनेंगे आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिल कठन हो जाएगा बहुत सख्त हो जाएगा हम कोल्ड हार्टेड या कहते uh, हैं ना संदिल कसावत कल्ब हमारे अंदर तो नुकसान हमारा है बहुत बड़ा नुकसान है ऐसा नुकसान जो हमें रिग्रेट वो भी ऐसा रिग्रेट जो इंटेंस होगा उसकी तरफ लेके जाएगा नंबर टू नाही जो टैलेंट्स है वो एक जगह रुक जाएंगे आई कैन हेल्प समवन बाय बाई टीचिंग आई नो सो मेनी स्किल्स जो दूसरों को नहीं पता और मैं बता सकती हूँ आजकल कोविड नाइनटीन की वजह से हम लोग कितनी दूसरे की मदद कर सकते हैं लोग बाज जगह पे स्टक हो गए बोर हो रहे हैं कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्रिएटिव हो आप उन्हें आइडियाज दे सकते हो आप उनको हेल्प कर सकते हो आप नहीं करे छोड़ो यार छोड़ो यार और इसकी वजह से क्या होता है वो नमत एक जगह माल भी एक जगह रह जाता है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और स्किल्स भी एक जगह रह जाते जो अल्लाह को पसंद नहीं है देखिए मालिक से मौला मौलाम ने फरमाया लेटर नंबर में कि ए मालिक यू गो टू इजिप्ट फरमायानफॉर्चुनेटली वो नहीं जा सके थे शहीद हो गए थे रास्ते में लेकिन मौला ने क्यामत तक के लिए हमें उसूल बता दिए कि ए मालिक अपनी टीम जब तुम गवर्नर और अपनी हुकूमत के स्टाफ को बनाओ तो उसमें किसी कंजूस और किसी बुजदिल और डरपोक मशवरत ना लेना क्यों जवाब दिया यादिलोका फजल व यादो कल फख्र कभी भी कंजूस से मशवरा ना करना क्यों क्योंकि वो तुझे फजलो करम और जनरोसिटी से रोकेगा और तेरे हाथ को बंद कर देगा कहेगा नहीं 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 हो सकता वो जिस तरह समथिंग तो ये जबान बुजदिल को कहते हैं डरपोक क्यों यूफो का अनिल उमूर अगर तुम बुजदिल से जो डरता है शुजा नहीं है ब्रेव नहीं है। अगर उससे उसके एडवाइस लोगे तो तुम वीक हो जाओगे वो तुझे बड़े, बड़े करने से रोकेगा हरीस, हरीस लालची, जिसके बारे में हमने उस से भी मशवरा ना करना क्योंकि वो तुम्हें जुल्म करने की तरफ दावत देगा, आफ फरमाते ये बुखलो जुबनो हरस ये डरपोक होना कंजूस होना और लालची होना ये अलग अलग बुरी सिफात हैं, गरीजा हैं, ख्वाहिशा नफसानी है बिल्ला ये सब के सब एक अम्बरेला के अंडर आते हैं। वो क्या है ये तीनों के तीनों दरहकीक़त अल्लाह के बारे में हमें बना देते हैं बदगुमान वी वी आर वेरी नेगेटिव अबाउट रब रब जन, जमाल जलाल इतना खूबसूरत जो हमें तमाम बुराइयों की तरफ लेकर जाता है और कहते हैं जो वकील है वो, आ, वो बड़े सहावत के साथ दे देता है यानी अपने आप को जलील कर देता है अपनी इज्जत दे देता है लेकिन अपने माल अपने वक्त को बचाता है यू नो इट्स ब्यूटिफुल स्टेटमेंट और नंबर टू जो कहे अलजुबन मनकसा कि बुजदली कमी की अलामत है वो हमें परवाज करने से रोकता है हमारे परों को काट देता है इस्लाम एक एक जंग में तशरीफ फरमाते आपने पानी मांगा तो एक शख्स आपके लिए शहद हनी लेकर आया तो आपने जैसे हनी को देखा तो कहा इन्ना पाइफ़ी ये हनी फला टाउन से वहाँ से लिया गया उसके बारे में बातें की रिलैक्स जबकि जंग का इतना वो वक्त था कि लोग सांस नहीं ले पा रहे थे तो उस शख्स ने कहा या या मौलान तो ने फरमायाली केारी नहीं हुआ अली का बसन ने कभी तमाम जो है वो भर के नहीं लिया और इतनी शुजात के साथ असाद आप हमेशा अपनी जिंदगी गुजारते रहे और तीसरी सिफत जिसके जरिए हम चेंज ला सकते हैं अपनी लाइफ में वो ये है कि अलफरों युर सुलफन अलफही नादारी समझदार को भी अपने दलाइल अपने पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने से गूंगा कर देती है यानी बोलने की सलाहियत को हमसे छीन लेती है जो हक हम बोलना चाहते हैं ना जो दलील बुरहान जो प्रूफ हम देना चाहते वो नहीं दे पाते वाई बिकॉज वी वी थिंक वी फील हम सोच रहे हैं, हम एहसास कर रहे हैं कि वी आर वीक वी आर फुआ इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है नहीं पैसा होना या ना होना दोनों इंसान को तो नुकसान ही पहुंचा सकता दोनों ठीक है यानी कम होना पैसा कम है यह भी बुरा नहीं है पैसा ज्यादा है वो भी बुरा नहीं है बुरा क्या है बुरा यहाँ पर जो फख्र बताया जा रहा है वो एहसास वो फीलिंग यू नो नो इवन वी वी हैव इंडियन वी एज आ पाकिस्तानी वी टू द स्टेटस ऑफ वी डू दिस यू नो ये तो हम नहीं कर सकते आरिफ हम नहीं बन सकते ये भी फख्र है ये जो हम इस तरह से सोचते रहे अपने आप को कम 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 सुस्ती की तरफ चले जाते हैं सोच भी कम ये भी फख्र है इमाम इस्लाम ने फरमाया बार इलाहा मैं पनाह मांगता हूं इससे कि मैं तेरे होते हुए गनील या एब्सोल्यूट रिच पर्सनालिटी अल्लाह की है के होते हुए भी मैं अपने आप को बेबस पाऊँ ये तो बहुत बड़ी बेहतरामी है ये वही सुन है ये अल्लाह के साथ ना इंसाफी है वक्त गुजर चुका है सिर्फ आखिरी दो मिनट ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगी यहाँ बताया जाता है कि एक मरतबा अला बिन ज्याद हारिस बसरा में इमाम अली का मुहब मौला अली वो बीमार होते हैं मौला अली उनकी अयादत के लिए जाते हैं जब अयादत के लिए जाते हैं देखो वाह फरमाते, इतना बड़ा घर देखिए मौला ने यू फरमाए अंता फिर अहवज दुनिया से ज्यादा तुझे इतने बड़े घर की आखिरत में जरूरत है ये तूने दुनिया में इतना बड़ा घर क्यों बनाया है ये कहा लेकिन फिर कहा एक रास्ता है कि इसी बड़े घर को जिसकी तुझे आखरत में जरूरत है इसी दुनिया के बड़े घर के जरिए आखरत में इससे भी बड़ा घर ले लो वो कैसे कि जितना बड़ा घर है उतने बड़े बड़े मसाइल तुम हल करो उतने ज्यादा लोगों को अपने घर बुलाओ सिलाई रहम करो मेहमान नवाजी करो सही तो क्या होगा ना इसका मतलब क्या हुआ बड़ा घर होना बुरा नहीं है बुरा क्या है कि आप सोचो कि आपके पास ये मेंटल यू नो आई नीड मोर वो लालच भी इसमें आ रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है और वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स जो आपको हो रहा है ये इंसान को बहुत ही ज्यादा परेशान कर देती है और आखिरी 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 पॉइंट आज लंबा हो गया आगे जाके कुछ हिकमतें बहुत शॉर्ट है कुछ बहुत लंबी है नंबर फोर वमुकम गरीब उनफी बलदाते ही परदेसी वतन में भी क्योंकि उसके पास माल कम है बहुत ही ज्यादा फकीर होता है देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके साथ फ़्रेंडशिप रखते हैं क्योंकि आप रिच हो क्योंकि आप फेमस हो तो वो आपको नहीं चाहते वो माल परस्त होते हैं जैसे माल चला जाता है फैम चला जाता है वो आपको तनहा छोड़ देते हैं तो ऐसा कोई बात नहीं ठीक है आप, आपको अगर ये पता हो कि आपके पास माल नहीं वेल्थ नहीं है इसलिए लोगों ने आपको छोड़ा है, तो ये आपको कवि बनाता है आप चेंज ला सकते हो कैसे देखिए जनाब अबूजर जनाब अबूजर को कहा चले जाओ अकेला छोड़ दिया था तो इमाम अली जब उन्हें विदा कर रहे थे तो कहा इस कौम ने दरहमद दिनार की वजह से तुझे छोड़ दिया क्योंकि तेरे पास माल नहीं था लेकिन तूने इन्हें इसलिए छोड़ा कि उनके पास ईमान नहीं तेरी इस इसबत से मुराद परदेसी होना अकेला होना इसके फ़ाइल अलैहिस्सलाम अली ने बयान किए जनाब अबूजर से बहुत बहुत शुक्रिया आप सब्र और तहम्मुल से मुझे सुना परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा और हमें दे कि हम सच्चे नहजुलबलागा के मौलाम केलूम के बन सके और इमाम आलिम की शफायत हम सब को नसीब हो और इमाम आश इमाम ज़माना को बार इलाहा बार इलाहा जल्द अज जल्द हमारी इस दुनिया में बुला लें और परदे गबत से निकाल दे असलकम वाला वर्का